नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे नक्षत्रों को उनकी दृष्टि के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, नक्षत्रों को उनकी दृष्टि के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों, नक्षत्रों को दृष्टि के आधार पर बांटा गया है तीन वर्गों में। पहला वर्ग है उदरमुखी, दूसरा है अधोमुखी और तीसरा है त्रियंगमुखी। दोस्तों, ये जो वर्ग है नक्षत्रों के, इनमें जो भी काम होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो ये जो नाम है उदरमुखी, अधोमुखी, त्रियंगमुखी, इनके अनुकूल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पहले वर्ग की, उदरमुखी नक्षत्र। इसमें दोस्तों आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, इनको उदरमुखी नक्षत्र कहते हैं। दोस्तों, इन नक्षत्रों में अब कौन कौन से काम किए जाते हैं? तो इन नक्षत्रों में काम किए जाते हैं बहुमंजिले भवन बनाना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, मंदिर का निर्माण करना और उद्यान संबंधित कार्यों के लिए। इन सब कार्यों के साथ साथ ऐसे सभी कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल होते हैं जिनमें ऊपर की ओर देखना पड़ता है। दोस्तों, उदरमुखी का मतलब है ऊपर की ओर देखना। तो ये जो कार्य मैंने बताया, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, मंदिर बनाना, इनके साथ साथ वो सभी काम जिनमें ऊपर की ओर देखना पड़ता है इन नक्षत्रों में। तो दोस्तों, ये जो उदरमुखी नक्षत्र हैं, ये उन सभी कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें ऊपर की ओर देखना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे वर्ग की। दूसरा वर्ग है अधोमुखी नक्षत्र का। इसमें नक्षत्र हैं दोस्तों मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और मघा, इन नक्षत्रों को अधोमुखी नक्षत्र कहते हैं। भूमि से जुड़े हुए कार्य, जैसे कुएं, तालाब के लिए भूमि खोदना, नींव रखने के लिए भूमि खोदना, भूमि के नीचे निर्माण कार्य के लिए, खदान के लिए, भूमि के अंदर गंदे पानी के निकासी के कार्य की खुदाई के लिए, इन सभी कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल होते हैं जिनमें नीचे की ओर देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अधोमुखी का नक्षत्र है नीचे की ओर देखना। तो वो सभी काम जिनमें नीचे की ओर देखना पड़ता है, उन सभी कामों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल होते हैं। अब दोस्तों तीसरे वर्ग की बात करते हैं। तीसरा वर्ग है त्रियंगमुखी। त्रियंगमुखी में दोस्तों नक्षत्र आते हैं मृक्षरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, अश्वनी और ज्येष्ठा, तो इनको त्रियंगमुखी नक्षत्र कहते हैं। इनका मुख सीधा होता है, मतलब इनकी दृष्टि सामने की ओर होती है और ये जो नक्षत्र हैं, ये यात्रा करने के लिए और यात्रा से संबंधित काम, जैसे कि वाहन चलाना, वाहन में चढ़ना, सड़क निर्माण आदि, ऐसे सभी कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें सामने देखने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से दृष्टि के आधार पर नक्षत्रों को तीन वर्गों में बांटा गया और उन वर्गों में जो जो कार्य अनुकूल होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।